साथियों नमस्कार, पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज हम लोग देखते हैं ऋषि के इस पंचांग के माध्यम से अग्निवास, अग्निवास कहां पर, कैसे देखें कि अग्निवास स्वर्ग लोक में है, पताल में है या मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर है। इसकी चर्चा हम लोग पंचांग से ही देख करके और जातक को बताते हैं और अपने भी जो हमारे नए व्यूअर हैं उनके लिए भी यह बहुत ही उपयोगी वीडियो होगी जो आप लोग ध्यान से देखें और समझें। अग्नि का वास देखने के लिए हमको पंचांग के अंतर्गत पेज नंबर 7 पर जाना चाहिए। पेज नंबर 7 पर जैसे जाएंगे तो यहाँ देखिए पेज नंबर 7 ऊपर में दिया हुआ है, उसके नीचे ठीक जाएंगे तो अग्निवास विचार दिया हुआ है। शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा दारभ्य वर्तमान तिथि जावत या संख्या तस्याम एक सूर्यादारभ्य बार संख्या। कहने का मतलब है कि जिस दिन आप निश्चित कर रहे हैं कि हमें हवन का कार्य करना है, जिस दिन आप कोई भी यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कार्य करते हैं, तो उस दिन आपको ये देख लेना चाहिए कि अग्नि का वास पृथ्वी पर है, पताल में है या स्वर्ग में है। इसका विचार अत्यंत आवश्यक है। यदि इसका विचार हम नहीं करते हैं और अग्नि का वास का विचार किए बगैर हम यदि हवन आदि कार्य करते हैं तो हमारे लिए शुभ है कि अशुभ है ये पता नहीं चलेगा और उसका फल जो है विपरीत हो जाता है। तो इस फल से कुप्रभाव से बचने के लिए हमें अग्निवास का विचार कर लेना बहुत आवश्यक है। जिस दिन आप हवन करने के बात सोच रहे हैं, जो निश्चित तिथि आपका है, उस दिन के से पहले यानी शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा यानी एकम तिथि से वर्तमान तिथि, जिस दिन आप हवन कार्य करने जा रहे हैं, वर्तमान तिथि तक की संख्या की गिनती करें। गिनती करने के बाद आप सूर्यवार, गिनती करने के बाद सूर्य फिर एक काम कार्य करें कि सूर्यवार यानी रविवार के से गत रविवार से वर्तमान दिन तक की संख्या को गिनती करें, दोनों को जोड़ दें। दोनों को जोड़ने के बाद चार का चतुर्भी विभाजने न यानी चार से भाग आप दें, जो शेष बचेगा उसी के अनुसार फल आपको समझनी चाहिए। तो यहां देखें यदि आपका शेष एक आता है तो अग्नि का वास स्वर्ग में है। इसमें यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसका फल जो है सही शुभ नहीं होता है, प्राण नाश यहां दिया हुआ है, आप खुद समझ रहे हैं। उसके बाद यदि दो संख्या बचती है तो इसका मतलब समझें कि अग्नि का वास पताल लोक में है, ये भी आपके लिए शुभ नहीं है। इसमें भी देखिए यहां फल दिया हुआ है धन नाश, इसमें भी आपको हवन कार्य नहीं करना चाहिए। यदि शेष फल 0 या 3 बचे तो आप समझें, यहां देखिए भूमो लिखा हुआ है यानी पृथ्वी पर यानी भूमि पर है, तो पृथ्वी पर जब हमारा अग्नि का वास होता है तो वही हमारे लिए फलदायी होता है, वही हमारे लिए सुख देने वाला होता है, हमारे जीवन में उपयोगी होता है, हमारे जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है। तो हमें इन तीन बातों पर विचार कर लेनी चाहिए ताकि जो हम अग्निवास देखे बगैर हम यदि हवन आदि कार्य करते हैं तो हमारे लिए शुभ नहीं होता है, वो हमारे लिए बहुत ही अनुचित कार्य होता है। तो इससे बचने के लिए हमें अग्निवास का विचार कर लेना अति आवश्यक है। आप यदि पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं तो कृपया इसको शेयर अवश्य करेंगे, लाइक अवश्य करेंगे। नए हमारे यदि व्यूअर देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।